हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में भारी भरकम एचयूएल की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। वैसे तो दो सेक्टर काफ़ी तेज़ी में है, मेटल सेक्टर और फार्मा सेक्टर, बट ये कि एचयूएल ने भी अच्छी तेज़ी दिखाई है और मार्च स्टार्टिंग में ये लगभग 2100 के आसपास कारोबार कर रहा था। तो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करना चाहते हैं, यानी मीन 10% 15% 20% के लिए, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रहेगी। आज 2426 के आसपास कारोबार कर रहा है ये। रिजल्ट का डेट था आज, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से रखा है। पिछले एक साल में लॉन्ग टर्म वालों को बढ़िया रिटर्न तो नहीं मिला है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने और मार्च के महीने के आसपास इसने 52 वीक हाई बनाया था लगभग 2600 के आसपास। तो हो सकता है जिस तरह का रिजल्ट आया है तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और इसका जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट की बात करेंगे। पिछले एक साल में अगर हम स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक का बिहेव देखते हैं, तो रेंज बाउंड कारोबार किया है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए कुछ 10 से 15% का एक तेजी रही है हर क्वार्टर में। तो चौथी तिमाही का रिजल्ट आया है, उसे देखते हैं। और स्टॉक प्राइस लगभग 2420-2422 के आसपास आज कारोबार कर रहा है और हल्की सी मामूली सी बढ़त है। तो आइए इसका रिजल्ट देखते हैं किस तरह का रेवेन्यू और प्रॉफिट रहा है, और उसके बाद टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे। दोस्तों, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है Q4 का और चौथी तिमाही का। देखिए, इसमें जो कॉलम दिया इन्होंने इस अब की बार का, 2021 का ये कॉलम है, 2020 एक साल पहले का ये कॉलम है, और दिसंबर का ये कॉलम है। देखिए, इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,947 करोड़ का रहा है अब की बार, और एक साल पहले 8,885 करोड़ का था, और दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें 11,682 करोड़ का था। यानी मीन्स इस दोनों क्वार्टर के हिसाब से एक तरह से रेवेन्यू बढ़ा है इनका। और टोटल की बात करते हैं तो देखिए 12,241 करोड़ का रहा है और 9,277 करोड़, यानी मीन्स एक साल पहले 10,000 करोड़ से कम का था, और दिसंबर में इम्प्रूवमेंट हुआ 11,959 करोड़ का था। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। और आगे की तरफ चलते हैं, और एक्सपेंसेस में भी देखिए 9,433 करोड़ का रहा है अब की बार, पिछली बार था 7,227 करोड़ का और दिसंबर में 9,321 का। अब सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 2,143 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, एक साल पहले 1,519 करोड़ का था और दिसंबर में 1,921 करोड़ का था। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है और EPS भी बढ़ के आया होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 9.12 का है और 7.02 का पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल के क्वार्टर में, और दिसंबर में था 8.18 का। तो एक तरह से EPS में भी इम्प्रूवमेंट है, प्रॉफिट बढ़ के आया है, रेवेन्यू भी बढ़ के आया है, और स्टॉक प्राइस 2420-2430 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है स्टॉक को एक तरह से, बट एक साल में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला है लॉन्ग टर्म वालों को। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, एक दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए, तो उनको एक तरह से अच्छा रिटर्न मिला है। डिविडेंड देखिए इन्होंने जो दिया है, फाइनल डिविडेंड 17 रुपीज़ पर शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 1 रुपीज़ इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक नज़र इसका चार्ट के ऊपर डालते हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, जो पिछले एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कारोबार किया है, रेंज बाउंड कारोबार किया है, नीचे की तरफ का देखते हैं तो लगभग 2100 के आसपास तक आया है, उसके बाद एक तेज़ी हुई है, फिर इसमें गिरावट हुई आई है, और अब की बार ये 2450 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। अगर टेक्निकल के अनुसार कारोबार करते हैं तो जब 2100 के आसपास था, तब बताने की कोशिश थी कि वीडियो के माध्यम से कि इसमें एक तेज़ी आएगी रिजल्ट से पहले, क्योंकि इससे पहले भी देखिए एक तरह से ये तेज़ी आई फिर गिरावट आई। अब की बार रिजल्ट भी अच्छा आया है, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, बट ये है कि ये ऊपर की तरफ, जैसे कि ये आज कारोबार कर रहा है, अगर हम आज का कारोबार की बात करते हैं तो ये कैंडल बना हुआ है, देखिए 2433 में ओपन हुआ है, हाई बनाया है 2447, लो बनाया है 2384 रुपये 65 पैसा, और
अभी ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है 2424, ओपन 2433 के ऊपर और 2447 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी मैं 2450 2455 के आसपास क्लोजिंग आज देता है, तो डेफिनेटली फिर आने वाले हफ्ते में एक अच्छी तेजी की संभावना रहेगी इसमें और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक में ब्लिसनेस है बट ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरावट आई है। जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है उनको एक उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है, और लगभग जो सपोर्ट रहेगा इसका 2310 के आसपास 2307 के आसपास रहेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए जो यहाँ से गिर के ये नीचे की तरफ आया है लुढ़का है, तो लगभग 2310 मान के चलिए ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर लुढ़कता है तो ये देखिए ये लाइन खींची मैंने, ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फिर डेफिनेटली अगर नीचे की तरफ स्टॉक दिखता है तो खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। FMCG का दिग्गज स्टॉक है बट अभी बुलिशनेस में है, 2424 के आसपास है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि बहुत तेज़ी में रह जाएगा। तो देखिए ऊपर का जो टारगेट की बात करते हैं तो ये जो यहाँ तक जो गया है ये इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा 2473। उसके बाद ये अगर अपने ये जो अभी हाई बनाया है एक तरह से अभी रिसेंटली 2500 के आसपास, यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है ऊपर की तरफ बंद होता है तो मान के चलिए यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ होगा। जिनके पास समय है वक्त है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि कोई नीचे के लेवल पे लेना चाहता है तो डेफिनेटली इसको 2310 का एक लेवल ज़रूर देखिए। उसके बाद अगर इसमें नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है तो देखिए फिर ये थोड़ा सा लुढ़क सकता है और यहाँ पे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। FMCG के स्टॉक्स में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ITC है और एक तेज़ी आती है पूरे 3 महीने में, उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड लोग लेते हैं तो फिर गिरावट भी आ जाती है। हो सकता है अभी जैसे कि ये अभी देखिए ऊपर की तरफ अगर ये 2450 2473 के आसपास जाता है तो 2500 तक तो जाता हुआ दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है दोस्तों। तो ये ध्यान देने वाली बात है और दिग्गज स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने, लगभग 10-15% का शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट मिलते आ रहा है, लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से डिविडेंड दिया है कंपनी ने और इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। बट अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए और पिछले साल का जो हाई है उसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, रिजल्ट बढ़िया आया है, डिविडेंड दिया है कंपनी ने और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से बुलिशनेस बनी हुई है। 2424 तक स्टॉक कारोबार कर रहा है तो सपोर्ट जो होगा जो आज का लो है 2384 का होगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा लगभग 2310 का होगा। उसके नीचे अगर स्टॉक दिखता है तो डेफिनेटली इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए पार्ट में, और ऊपर की तरफ का जो रेंज रहेगा लगभग 2500 के ऊपर क्लोज होता है 2507 2510, तो डेफिनेटली वहाँ से स्टॉक फिर अपना हाई ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट टारगेट की बात थी और रिजल्ट जो अपडेट दिया है उसका एक एनालिसिस और विश्लेषण था। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।